पहाड़ी लोकगीत जीणा कांगड़े दा को युवा गायक नवीन कुमार ने अपनी आवाज में नई धुन के साथ रिलीज किया। नए अंदाज में गाए इस गीत में संगीत केशव नाथ पर विशाल ने दिया है। गीत का निर्देशन अंकज भारद्वाज ने किया है। गायक नवीन कुमार लगातार 3 वर्ष तक जिला तथा राज्य स्तरीय शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता में विजेता रह चुके हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने गीत की रिलीज पर नवीन कुमार ने कहा कि इस गीत के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है कि घरों की महिलाएं, बहनें व बेटियां किस तरह से कार्य करती हैं। प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने गीत के रिलीज पर नवीन कुमार ने कहा कि इस गीत के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया गया है कि घरों में महिलाओं, बहनों व बेटियों की किस तरह से कार्य होते हैं। उन्होंने बताया कि उनके आगामी प्रोजेक्ट भी तैयार हैं जो कि हिमाचली लोकगीतों पर ही आधारित रहेंगे। इसके लिए जिला कोई भी हो सकता है, कांगड़ा भी और चंबा भी। नवीन ने बताया कि उन्होंने संगीत की शिक्षा डॉक्टर सतीश ठाकुर और जन्मेजय गुलेरिया के पास ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि हमारी जो संस्कृति है, हमारे लोकगीत हैं, उन्हें लुप्त नहीं होने दिया जाएगा और उन्हीं पर कार्य करते हुए वे आगामी प्रोजेक्ट करेंगे। इसके अलावा नवीन द्वारा स्वयं भी गाने लिखे जा रहे हैं, उन्हें भी वे जल्द जनता के बीच लेकर आएंगे। जी, जो मैंने आज अपना पहला डेब्यू सॉन्ग किया है जीना कांगड़े दा, तो इसमें मैंने कोशिश की है कि जो ये शब्द है एक जीना कांगड़े दा, उसको दर्शाने की लोगों के सामने। तो इसमें जो मैंने बताने की कोशिश की है कि जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, लड़कियों का जो दिनचर्या है, तो मैंने दर्शाने की कोशिश की है इसमें कि कैसे उनके दिन भर के कार्य रहते हैं। और इसमें मैंने जो भी यहाँ की लड़कियां काम करती हैं, जैसे घर का जो भी काम करती हैं, घास काटती हैं या हमारे गाय भैंस पहली है उनका काम करती हैं, तो कोशिश की है। और बाकी मेरे आगामी प्रोजेक्ट भी जो हैं वो हिमाचली लोकगीत पर ही रहेंगे, जो कि हिमाचल के किसी भी ज़िले का हो सकता है, कांगड़ा का भी, चंबा का भी, मंडी का भी हो सकता है। क्योंकि मैंने जो कंसंट्रेट किया है शुरू से ही, मैंने संगीत की विद्या ग्रहण की है डॉक्टर सतीश ठाकुर जी के पास, डॉक्टर जन्मजय गुलेरिया जी के पास। तो मेरा ये पहला डेब्यू जीना कांगड़े दा मैंने किया। इसके बाद जो मेरे आगामी प्रोजेक्ट हैं वो यही रहेंगे कि मैं हमारी जो संस्कृति है, हिमाचली लोकगीत हैं, उनको मैं लुप्त नहीं होना देना चाहता। तो आगामी जो होंगे सर, वो मैं एक तो कांगड़ा के भी होंगे और दूसरे जो मैं नए भी कुछ लॉन्च करूंगा गाने, जो अपने लिखे होंगे, अपने कंपोज्ड होंगे, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको वो भी पसंद आएंगे।